हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ दुर्गा पूजा का मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूं। जो आप देख रहे हैं यही मेकअप लुक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं आज अपना स्किन केयर करके आ चुकी हूँ, उसका वीडियो आएगा। इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो वही आएगा मेरा स्किन केयर वाला वीडियो। तो यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर के बाद अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। और हाँ, आज का जो वीडियो है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आप किस तरह से अपना पूजा दुर्गा पूजा मेकअप लुक कर सकते हैं यही है। यहाँ पे मैं कोई फाउंडेशन आज अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा पॉन्ड्स का बीबी क्रीम उठाई और अपना फेस में अप्लाई करने लगी। डॉट 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 करके पूरी फेस पे, जैसे बेबी क्रीम फाउंडेशन यूज़ करता है वैसे ही मैं डॉट 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 करके पूरी फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। उसके बाद फिंगर से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आज नया ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ये कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। आप कवरेज देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये ब्लेंड हो रहा है। मैं तो जस्ट मतलब देखने लगी, वाओ कितना अच्छा ये वर्क करने लगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये मेरा फेस में ब्लेंड हो गया। हमको ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना पड़ा, बस मेरा फेस में अच्छे से ये ब्लेंड हो गया। उसके बाद इसको ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। ये भी सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, ये है ब्लू हेवन का। जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ लोकल मार्केट पे आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं। दुर्गा पूजा का शॉपिंग आप करने वाले हैं तो आप मेरा वीडियो देख के आप पता कर सकते हैं किस तरह से ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं अपना पूरी फेस पे जहाँ पे ये बीबी क्रीम को अप्लाई की पूरी फेस पे इसको अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरा जो बीबी क्रीम है वो क्रैक ना कर जाए। यहाँ पे मैं पूरी नेक पे भी यूज़ की हूँ बीबी क्रीम को और ईयर पे भी। तो सेम मैं यहाँ पे अपना पाउडर को सेट कर लूँगी। सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, आप आराम से बाय कर सकते हैं। आप बीबी क्रीम जो अप्लाई की बहुत अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इससे कम प्राइस का कोई भी आईब्रो पैलेट नहीं है, मतलब पेंसिल भी नहीं है। तो मेरे पास यही है स्विस ब्यूटी का। इसको मैं बहुत मतलब नायका से बाय की हूँ कुछ ही दिन पहले। नया प्रोडक्ट है, मैं आज फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, जिसके लिए मैं आज आप लोग को बैक करके दिखाई। देख सकते हैं इसका कवरेज, ये मुझे नहीं पता कितना प्राइस, आई थिंक 150 से 200 रुपये का अंदर मुझे इसको मैं बाय की। काजल के लिए यहाँ पे दो काजल सुपर अफोर्डेबल है, यहाँ पे एलेक्टिंग और लैक्मी। इससे भी कम प्राइस में आप ले सकते हैं, पर मेरे पास था ये दोनों, क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये लोकल मार्केट से आप आसानी से बाय कर सकते हैं, ताकि ऑनलाइन का आपको झमेला ना करना पड़े। आई मेकअप हो गया, आईलाइनर अप करूँगी मैं, काजल हो गया था। तो यहाँ पे ब्लू हेवन और मेरे पास था लैक्मी, तो मैं अभी ब्लू हेवन को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि लैक्मी तो बहुत पुराना आप बहुत सारा वीडियो में देखे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारे के लिए मेरे पास दो ऑप्शन था, एक है ब्लू हेवन और एक है एपिक का। एपिक अगर आप 200 से 250 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एपिक आप आंख बंद करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये भी लोकल मार्केट का माल है, आप आराम से बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये, वाटर प्रूफ है। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपना आई मेकअप ऐसे नहीं रखूँ, थोड़ा सा आई शेडो वगैरह मुझे चाहिए था, इसीलिए मैं ये ऑप्शनल है, बिल्कुल भी ऑप्शनल। आप अगर ब्लश का पैलेट है उसको भी आप कोई भी पिंक या हल्का रेड या फिर थोड़ा सा आप ऑरेंजी कलर लेके अपना आई पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना चिक पे और नोज़ के पास थोड़ा सा यही कलर को अप्लाई करूँगी, ताकि थोड़ा सा मेरा जो फेस है वाइट ना लगे। मुझे लग रहा था मैं ऐसे ही रखूँगी, पर मुझे लगा थोड़ा सा वाइट लग रहा था। मैं यहाँ पे कोई कंटूर और हाइलाइटर वगैरह आज यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये अष्टमी का डे मेकअप था, ठीक है। इसको आप अगर आई मेकअप में डार्क इसीलिए कि मुझे आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा करने का मन हुआ, जिसकी वजह से मैं कर ली। मुझे थोड़ा सा ही आई मेकअप में लाइट रखना चाह रही थी, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ही बढ़ा ली। यहाँ पे मैं अपना जो आई शेडो है उसी को अपना ब्लशर के लिए अप्लाई कर ली।
यहाँ पे मैं अपना जो साड़ी है उसको वेयर करके आ चुकी हूँ। और यहाँ पे जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या इसको मैं ऑनलाइन मंगाई, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर का है, ये है स्टेकोर्की का ब्लश एंड लिप, ऐसे ही कुछ इसका नाम है। इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरा जो मेकअप है वो डन हो गया है, लिपस्टिक मैं अप्लाई कर ली और ज्वेलरी वगैरह अप्लाई करके आ चुकी हूँ, मतलब लगा के आ चुकी हूँ। अब फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बिंदी लगा के मैं फोटो वगैरह ली थी, लेकिन बिंदी उतार के भी फोटो ले रही थी मैं। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।